चलिए आज का जो है लेसन 3 ए साइलेंट रेवोल्यूशन, एक शांत क्रांति, चैप्टर 3 था। इसका हमने शॉर्ट क्वेश्चन आंसर करा दिया, आज लॉन्ग क्वेश्चन आंसर आज हम लोग करेंगे। तो इसमें फर्स्ट क्वेश्चन जो लॉन्ग का कहता है उसे पहले हम समझ लेते हैं कि क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या कहता है। तो देखिए फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि व्हाई हैव वुमेन, फर्स्ट नंबर क्वेश्चन सॉरी ये देखते हैं, फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि हाउ हैज एसएमएस ब्राउट अबाउट ए साइलेंट रेवोल्यूशन, कैसे, ठीक है ना, एक साइलेंट रेवोल्यूशन कैसे एसएमएस जो है एक साइलेंट रेवोल्यूशन लाता है, एक एसएमएस कैसे जो है साइलेंट रेवोल्यूशन ला देता है इसको बताना है, एक्सप्लेन करना है। तो इसमें हमने लिखा है SMS which was conceived as a part of it of the GSM. GSM digital standard has spread among the countries of the world as a quick communication. SMS जो कि एक जो है बातचीत करने का बहुत तेज जरिया है पूरी दुनिया का, दुनिया के बीचों में वो बहुत तेजी से जो है इसको GSM डिजिट ने इसे फैलाया। It has also a beauty that messages can be sent and received even while making voice calls. इसमें इसकी सुंदरता है, इसकी खासियत है, इसमें एक अच्छी गुण ये है कि मैसेज को आप भेज सकते हैं या रिसीव कर सकते हैं जब कभी आप बात कर रहे होते हैं, ठीक है ना, आप बात करने के दौरान भी आपका मैसेज चला जाएगा और आपका मैसेज रिसीव हो जाएगा, ये इसकी ड्यूटी है, इसमें सुंदरता है, अच्छाई है। द डिमांड एंड यूटिलाइजेशन ऑफ SMS एज ए कम्युनिकेशन हैज ब्राउट ए रेगुलेशन इन द फील्ड ऑफ वर्ल्ड कम्युनिकेशन, दुनिया के कम्युनिकेशन के क्षेत्र में यह जो है इसकी सुंदरता, जो इसकी डिमांड होने लगी, ये जो SMS का मांग ज्यादा लोग करने लगे, इसका इस्तेमाल करने लगे, यही जो है ये साइलेंट रेगुलेशन को लाता है, ठीक है। Thus we can say that SMS has brought about a silent revolution. अतः हम लोग कह सकते हैं कि SMS जो है ये silent revolution को लाया है, ठीक। तो SMS जो धीरे धीरे सबको जानने लगा और उसके माध्यम से जो है लोग क्या करने लगे, इसका इस्तेमाल पूरा दुनिया करने लगा, तो ये धीरे धीरे जो है एकदम साइलेंट में ही पूरा क्रांति ला दिया। तो ये हमारा एक्सप्लेनेशन हुआ अ साइलेंट रेवोल्यूशन का, तो इसको नोट करेंगे। चलिए सेकंड क्वेश्चन समझ लेते हैं। सेकंड नंबर क्वेश्चन क्या कहता है कि हाउ डू यू थिंक दैट SMS हैज नाउ बिकेम द मोस्ट प्रिफर्ड ऑप्शन फॉर कम्युनिकेशन। आपको क्या लगता है कि SMS जो है अब सबसे अधिक, ठीक है, सबसे अधिक लोग का मानने वाला, सबसे अधिक जो है बातचीत करने वाला, कम्युनिकेशन करने वाला एक माध्यम जरिया बन चुका है, जो कि एक अच्छा ऑप्शन मिला है, आपको क्या लगता है इसके बारे में, ठीक है। बिकेम द मोस्ट प्रिफर्ड, ज्यादा लोग इसको जो है, अत्यधिक लोग बातचीत करने का जरिया जो है SMS को समझ रहे हैं, आपको है, इसके बारे में क्या लगता है। तो सही है, जिसके बारे में ज्यादा लोग जो है SMS के माध्यम से ज्यादा लोग जो है प्रिफर्ड करते हैं। SMS has, आंसर इसका लिखेंगे कि SMS has ability to send and receive text messages. SMS में यह क्षमता होती है कि यह जो है मैसेज, टेक्स्ट मैसेज जो लिखा गया जो संदेश है उसे जो है आप मोबाइल फोन पर रिसीव कर सकते हैं या सेंड कर सकते हैं। इट इज लाइक जैसे कि ईमेल, स्टोर एंड फॉरवर्ड सर्विस दैट यूटिलाइज गेटवे टू द सेंड एंड सेंड मैसेजेस बिफोर फ्रॉम सेंडर टू रिसीव रिसिपिएंट, ठीक है, रिसिपिएंट्स, इसको रिसिपिएंट्स बोलेंगे। तो यहां कह रहा है कि इसमें ईमेल हो गया, जैसे वो स्टोर कर लेता है, स्टोर करके उसके बाद से वो फॉरवर्ड कर देता है सर्विस को, और जाके वो जो है उसका मेल जो है
गेटवे जो होता है, जो द्वार होता है, वो होता है सेंड टू सेंड मैसेज, जो भेजने के लिए, भेजर से प्राप्त करने वाले से क्या द्वार जो होता है वो माध्यम से वो पहुंचा देता है स्टोर करके। मैसेज कैन बी सेंड एंड रिसीव्ड इवन व्हाइल मेकिंग वॉइस कॉल्स, ये भी सुविधा है कि आप बात कर रहे होते हैं उसके बावजूद भी आप मैसेज भेज सकते हैं या प्राप्त कर सकते हैं। सच फीचर्स ऑफ एसएमएस, इस तरह का जो फीचर्स इसने दिया है, ठीक है, ये जो इसने का जो ये एसएमएस का जो नया तरीका दिया अपनाया है इसमें, वो जो है बायफ्रेक्ट्स इट्स द अदर्स, जो एक दूसरे को प्रभावित करता है, जिससे के कारण जो है दस वी थिंक दैट, इसलिए हम सोच सकते हैं कि SMS has now become the most preferred option for communication. आज जो है यह सबसे अत्यधिक प्रचलित मानने वाला जो है आसान ऑप्शन बन चुका है कम्युनिकेशन का, बातचीत करने का, ठीक है, बातों का आदान प्रदान करने का एक जरिया बन चुका है जो सबसे लोकप्रिय है। तो ये रहा आपका जो है क्वेश्चन नंबर टू, ठीक है, इस क्वेश्चन नंबर को आप नोट करेंगे। तो चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर थ्री क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर थ्री में क्या दिया हुआ है इसे समझ लेते हैं। तो सबसे पहले कहता है कि व्हाट इज द अट्रैक्टिव फीचर ऑफ एसएमएस, एसएमएस का आकर्षक जो है फीचर क्या है, इसकी बनावट क्या है एसएमएस का। हाउ डज, नेक्स्ट क्वेश्चन इसी में कहता है कि हाउ डज ए वॉइस कॉल डिफर फ्रॉम एसएमएस, कैसे वॉइस कॉल एसएमएस से अलग है, भिन्न है, ये डिफरेंसेस बताना है ये वॉइस कॉल का और एसएमएस का, कि दोनों कैसे भिन्न है, और इसका एसएमएस का फीचर बताना है, इसका बनावट बताना है, इसमें क्या क्या फीचर्स दिए गए हैं, ठीक है, इसका अट्रैक्टिव फीचर बताना है। तो इसका आंसर होगा कि मैसेज आर नॉट सेंड डायरेक्टली फ्रॉम सेंडर टू रिसीवर, मैसेज जो है संदेश जो है वो सीधे प्राप्तकर्ता के पास नहीं चला जाता, सेंडर के पास, भेजने वाले के से पास से प्राप्तकर्ता के पास सीधे नहीं चला जाता है, बट आर रूटेड थ्रू एसएमएससी, ठीक है, इसका एक रूट होता है वह इसके माध्यम से जाता है एसएमएससी के माध्यम से, ठीक है, शॉर्ट मैसेजिंग सर्विस सेंटर जो है इसका, जो सर्विस प्रोवाइडर इसको देता है, इसके माध्यम से यह जो है सेंडर से रिसीवर के पास पहुंचता है। लेकिन इन एसएमएससी इसमें द मैसेजेस इज डिलीवर्ड, एसएमएस में क्या क्या किया जाता है, एसएमएससी में यह मैसेज को डिलीवर्ड किया जाता है पहले एट द डिस्टिनेशन मोबाइल, जो निर्धारित मोबाइल है उस मोबाइल से, जहां पे भेजना है उस मोबाइल से, इवन इफ इट इज स्विच ऑफ, यदि उसमें कहीं वो भेजा गया और या डिलीवर्ड हुआ एसएमएस के द्वारा, एसएमएससी के द्वारा, और जब कहीं मोबाइल जो है जहां भेजा जा रहा है वो बंद है या आउट ऑफ कवरेज एरिया है, तो एसएमएससी क्या करता है उसको, वो आया उसको देखा और उसको सर्च करके क्या किया कि जब स्विच ऑफ बता रहा है या आउट ऑफ कवरेज एरिया बता रहा है, तो एसएमएससी शॉर्ट मैसेजिंग सर्विस सेंटर क्या करता है, ये स्टोर कर लेता है, स्टोर्स द मैसेज, मैसेज को स्टोर कर लेता है, एंड आगे क्या करता है फॉरवर्डिंग, उसको बाद में फॉरवर्ड करता है, कब, व्हेन द मोबाइल इज स्विच्ड ऑन और एंटर द नेटवर्क। तो इसकी ये फीचर्स हो गए कि इसमें एक स्टोर करने की फीचर है, जो कि जब मोबाइल बंद होगा या आउट ऑफ कवरेज एरिया बताएगा तो वो जो है उसको स्टोर कर लेगा, कौन, एसएमएससी शॉर्ट मैसेजिंग सर्विस उसको स्टोर कर लेगा, और जब ही मोबाइल खुलेगा या नेटवर्क कवरेज में आएगा वह तुरंत ही उसको फॉरवर्ड कर देगा, ठीक है। आगे कहता है कि एक्सेसेस टू एसएमएस इज जनरली फ्री, इसकी एक और फीचर है कि सामान्य रूप से जो है एसएमएस का जो कॉस्ट है वो फ्री है। दीज आर द अट्रैक्टिव फीचर्स ऑफ एसएमएस, यह जो है एसएमएस का सबसे आकर्षक फीचर है, यह जो है फ्री ऑफ कॉस्ट है।
दूसरा कह रहा है डिफरेंस बताना है इसमें कि कैसे वॉइस कॉल और एसएमएस से डिफरेंस है। तो नेक्स्ट इसमें लिखे हैं कि वॉइस कॉल टेक्स्ट ओवर ए डेडिकेटेड रेडियो चैनल। वॉइस कॉल जो है ये पूरी तरह से रेडियो चैनल के माध्यम से चलता है। फॉर द ड्यूरेशन ऑफ द कॉल, कॉल के दौरान ये पूरा जो है इसका श्रेय रेडियो चैनल चलाता है। एंड वाइल द एसएमएस, जबकि एसएमएस ट्रैवल, एसएमएस किससे चलता है, ओवर एंड अबव द रेडियो चैनल यूजिंग द सिग्नल पर। यह रेडियो चैनल चल रहा होता है उसके बावजूद भी सिग्नल के माध्यम से एसएमएस चला जाता है, इसमें ये डिफरेंस है। और दस ये वॉइस कॉल डिफर्स फ्रॉम एसएमएस, अतः हम कह सकते हैं कि वॉइस कॉल जो है यह एसएमएस से बिल्कुल भिन्न है, क्योंकि वह रेडियो चैनल के माध्यम से चलेगा, चैनल से वॉइस कॉल होगा, लेकिन यह सिग्नल पकड़ने पर यह जाएगा। सिग्नल जब पकड़ेगा, नेटवर्क ही आएगा, तब वहां पे जो है यह एसएमएस सेंडर होगा, सेंड होगा या फॉरवर्ड होगा। तो ये आपका 3 नंबर क्वेश्चन है, इसमें भी कोई दिक्कतें नहीं होनी चाहिए, जहां तक हमारा मानना है कि आप लोग क्लियर समझ रहे होंगे, ठीक है। इसमें कहीं दिक्कत हो रही होगी तो कमेंट बॉक्स में जाकर आप जरूर बताएंगे, और अभी तक जो सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो जल्द से जल्द जो है मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ठीक है, ताकि जो है सारे वीडियोस आप तक पहुंचते रहें, और लाइक बटन दबाना ना भूलें। तो चलिए इसको जो है आप नोट कीजिए, नेक्स्ट क्वेश्चन इसके बाद लिखवाते हैं। चलिए 4 नंबर क्वेश्चन जो है इसे पहले हम लोग समझ लेते हैं कि लास्ट आपका जो है इस चैप्टर का क्वेश्चन है, लॉन्ग क्वेश्चन आंसर का। 4 नंबर क्वेश्चन कहता है कि द लॉन्च ऑफ एसएमएस, ठीक है, एसएमएस का लॉन्च करना आना, ठीक है, हैज ओपेंड ए न्यू विस्टा इन द फील्ड ऑफ टेक्स्ट कम्युनिकेशन, ठीक है। यह जो है जो एसएमएस जो है लॉन्च किया, तो ये जो है एक नया दृश्य खोल दिया, ठीक है ना, इन द फील्ड ऑफ टेक्स्ट कम्युनिकेशन, ठीक है, लिखने वाले लिख कर बातचीत करने की दुनिया में यह जो है एक नया चीज आ गया, नया दृश्य खोल दिया लोगों के बीच में, एक्सप्लेन करें, ठीक है। तो इसको एक्सप्लेन कैसे करेंगे कि द लॉन्च ऑफ एसएमएस हैज ओपेंड ए न्यू विस्टा दृश्य इन द फील्ड कम्युनिकेशन, ठीक है, कम्युनिकेशन के क्षेत्र में यह एक नया जो है खोल दिया है अपना लॉन्च किया एसएमएस, प्रोवाइडिंग ए न्यू इजी वे टू द पीपल टू कम्युनिकेशन। यह क्या प्रोवाइड किया, एक आसान तरीका, ठीक है, एक नया आसान तरीका लोगों का बातचीत एक दूसरे से करने के लिए। द लिमिटेशन ऑफ कैरेक्टर्स, इसके कैरेक्टर्स क्या है कि लिखावट ये 160 फॉर द जीएसएम नेटवर्क एट प्रेजेंट, 160 वर्ड आप इसमें अल्फा न्यूमेरिकल टाइप कर सकते हैं। और द टेडियस बताता है कि टेडियस प्रोसेस ऑफ टाइपिंग फ्रॉम द स्मॉल हैंडसेट कीपैड, कह रहा है कि ये उब जाने वाला छोटा हैंडसेट जो होता है, उस प्रकार बटन जो होता है, छोटे छोटे बटन होते हैं जिसको टाइप करने में मन उब जाता है, टेडियस हो जाता है, ठीक है ना, उसके बावजूद भी जो है इसको ये फेल नहीं कर पाया, ठीक है, ये उबाऊ हैंडसेट के बटन रहने के बावजूद भी यह एसएमएस के चीज को फेल नहीं कर पाया। टू डिटर द स्पिरिट ऑफ इथुआस्टिक, जो मन में उस उत्सुकता जगी थी कि लोगों को टाइप करके हम भेजे बात करें, यह उत्सुकता को कम कर नहीं पाया यह छोटा हैंडसेट, नहीं तो आदमी उब जाता है, ठीक है, लेकिन उसके बावजूद भी एक नया उत्सुकता जो मन में जगी थी, ये नया चीज था, हम एसएमएस करके लोगों के सामने बात करें, यह जो है उससे मन नहीं फेल होता था, मेरा मन नहीं भरता था, और मैं उतना छोटा छोटा टाइप भी करके हैंडसेट को, ठीक है, बटन को, और उसको एसएमएस में कर पाता था। तो वही कह रहा है कि स्मॉल हैंडसेट कीपैड्स फेल टू डिटर द स्पिरिट ऑफ द इथुआस्टिक उत्साह, ठीक है ना,
हमारे स्पीड को, मन के उत्साह को जो है यह जो है नहीं रोक पाया और नहीं फेल कर पाया यह छोटा सा मोबाइल का टाइपिंग। तो ये था इसका नया चीज जो कि इसमें ये बातचीत के दौरान जो है एक नया दृश्य था। तो ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 4, यह आपका चैप्टर कंप्लीट हो गया। यह 3 का लेसन जो है आपका कंप्लीट हुआ, 4 लेसन जो है आपका फिर नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मिलेंगे। तब तक के लिए आज इतना ही।